असलामुअलैकुम। काफी ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम विदाउट वीपीएन कैसे पबजी को रन करें। अब विदाउट वीपीएन पबजी को रन करने का फायदा क्या है कि आपका अकाउंट बैन नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विदाउट वीपीएन अपने पबजी अकाउंट को कैसे रन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वीपीएन से रन करते हैं अपने अकाउंट को, वीपीएन लगाकर प्ले करते हैं गेम को, तो पबजी आपके अकाउंट को बैन कर देती है 10 ईयर्स के लिए। वो इसलिए कि पबजी की जो पॉलिसीज हैं उसमें ये मेंशन है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं अपने अकाउंट का, तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। इसी वजह से पबजी जो बैन हुई थी पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीपीएन लगाकर पबजी को रन किया और कुछ लोगों के अकाउंट बैन हो गए हैं। और जिनके अकाउंट नहीं हुए, ये वीडियो उनके लिए है कि आप इस ट्रिक से अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं। विदाउट वीपीएन आप कैसे रन कर सकते हैं अपने अकाउंट को। सो पाकिस्तान में 9 जुलाई तक जब तक फैसला नहीं आता, पीटीए ने पबजी को टेम्पररी बैन किया हुआ है, जिसकी वजह से ना वाईफाई पे ला सकते हैं, पीटीसीएल, स्ट्रॉन्ग फाइबर, यू फोन, जेस के सिम पे आप पबजी को नहीं रन कर सकते। पीटीए ने पबजी के सर्वर्स डाउन किए हुए, लेकिन जब आप जोंग की सिम से पबजी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके सर्वर्स आपको सही मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि जोंग की सिम अगर आपके पास है, जोंग ने पैकेज करा कि आप पबजी को रन कर सकते, क्योंकि आई थिंक जोंग पे अभी तक सर्वर्स बैन नहीं हुए, और तो मैंने भी जोंग पे ट्राई किया था तो मेरी पबजी रन हो गई थी। अब दूसरी ट्रिक ये है कि इसमें आपका 60% अकाउंट सेव हो जाता है। इस तरह के आप वीपीएन कनेक्ट कर ले, कोई भी वीपीएन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ले, उसको आप कनेक्ट कर ले। पबजी में जब आप स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, अपना सर्वर वगैरह सेलेक्ट करके जब आप लॉबी में चले जाते हैं जहां पे प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, तो उसके बाद आपने अपने गेम को मिनिमाइज करके वीपीएन पे जाके उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, और आपका जो अपना इंटरनेट है उस पे आप रन कर सकते हैं इजीली। इसमें मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपका अकाउंट सेफ रहेगा या नहीं, लेकिन 60% आपका अकाउंट सिक्योर हो जाता है। फुली वीपीएन से खेलने से बेटर है कि आप स्टार्ट में वीपीएन लगाकर और फिर उसे मिनिमाइज, लॉबी में जब आप पहुंचे तो उसे मिनिमाइज करके डिस्कनेक्ट कर, तो आपका वाईफाई या डेटा जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर रन हो जाएगी आपकी फर्दर गेम। इसके अलावा जो थर्ड और लास्ट ट्रिक ये है कि आप जब पबजी को रन करते हैं, जहाँ पे आपका सर्वर एरर आता है, तो वहाँ पे आप डेटा कनेक्ट करके अपना, अगर आप वाईफाई पे रन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप डेटा कन्वर्ट कर लें। जब उधर लोडिंग हो जाए, हाफ लोडिंग हो जाए, उसके बाद आप वाईफाई कनेक्ट कर लें, तो इसी तरह आपके जब डेटा से वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपकी गेम रन हो जाएगी। और जब आप लॉबी में पहुंचे तो आप फिर या डेटा या वाईफाई, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने लॉबी तक जो लोडिंग होती है, सर्वर एरर देता है, वहां तक पहुंचने के लिए आपने सिर्फ डेटा या वाईफाई को एक आपस में कन्वर्ट करना है। वाईफाई पे अगर आप रन कर रहे हैं तो डेटा पे बीच में कन्वर्ट कर दें, अगर डेटा पे आप पबजी को रन कर रहे हैं तो आप वाईफाई पे रन कर। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपका पबजी के रिलेटेड क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और ट्रिक मुझे मिली तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।